हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हैप्पी नवरात्रे सभी फ्रेंड्स को। नवरात्रे का आज है लास्ट दिन, और क्योंकि अब की बार नवमी और अष्टमी दोनों इकट्ठी बनाई जा रही है। फ्रेंड्स, बच्चे चले गए हैं कन्या पूजन के लिए, वहाँ पे कन्या पूजन कर रहे हैं। बहुत से बच्चों को सुबह ही लेके चले गए हैं और ये सारा ही खेल भी खेल के चले गए, क्योंकि बच्चों को तैयार किया था। तो फ्रेंड्स, ये प्रेस वगैरह सारे कपड़े किए थे तो सारा ही घर बिखर हो गया। अब नींद आ रही है, तो अब करती हूँ मैं तैयारी किसी चीज़ की। तो मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ, अभी रखती हूँ, लेकिन अभी नहीं बनाऊँगी। अभी गली में से निकाल के आऊँगी मैं झाड़ू, क्योंकि तो फिर धूप आ जाती है, धूप में नहीं कुछ होता है, ज़्यादा धूप लगती है बाहर। तो पहले बाहर गली से झाड़ू निकाल के आऊँगी, क्योंकि पहले फिर अंदर आराम से कर लूँगी मैं। चलते हैं। और तो ये फ्रेंड्स देखो, चूड़ियाँ इसकी, इसको गिफ्ट में मिली है। ये देखो, यहाँ पे थालियाँ रख के अभी चली गई हैं, लंच ये टिफिन मिले हैं बच्चों को कन्या पूजन पे। और अभी ये तो आ गई है, एक यहाँ पास में घर है, ये उनके घर पे पता नहीं क्यों जाने से डरती है, जाती नहीं, वैसे कुछ नहीं कहती उस लड़की, पता नहीं उसकी आवाज़ ही ऐसी है। एक लेडीज है वो तो उनके घर पे बिल्कुल नहीं जाती, इसको बिल्कुल बोल बोल के चले गए, चल चली नहीं। और शाम को है डांडिया नाइट बच्चों के स्कूल में, तो मैं लेके आई हूँ ये दुकान से, लकड़ी की दुकान से स्टिक्स, जो कि 20 रुपीज़ की मुझे मिली है। मैं डेकोरेट करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने डेकोरेट कर ली है, पूरे 2 घंटे लगे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ मेरी फ्रेंड और उसके बच्चे थे, उनकी भी मैंने डेकोरेट की और अपनी भी डेकोरेट की। उसने बोला कि भाई तू ही पिंकी, तू ही कर दे यार, तो देखी जाएगी, चल मैं कर देती हूँ। तो ये सारी डेकोरेट की मैंने, पूरे 2 घंटे लग गए और मेरी कमर का बज गया था बैंड। तो हो गई हूँ ना धो के रेडी। तो ये है मेरा फाइनल लुक। अब जाने वाले हैं हम डांडिया नाइट, और बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया अच्छे से, पहना उड़ा के सारे वो बच्चे और बाहर हैं, अच्छे से रेडी कर दिया। पहले बच्चों को ही रेडी करती हूँ, बाद में मैं होती हूँ। तो फ्रेंड, चल दिए हम स्कूल में। स्कूल का गेट, मेन गेट ये है, ऐसे तो 3 गेट हैं इसके, लेकिन एंट्री यहाँ से ही है। तो यहाँ पे ये सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, तो ये इसकी। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आते ही ये देखो कुछ लुक ऐसा नज़ारा, मज़ा आ गया अंदर आते ही। यहाँ पे भी बिना आई कार्ड के एंट्री नहीं थी यहाँ पे एंट्री। तो फ्रेंड्स, आई कार्ड, एक आई कार्ड के साथ 2 बंदे थे, 2 बंदे होने चाहिए। तो बच्चों के आए, ये देखो फ्रेंड्स, सभी लोग लहंगे वहंगे, कोई गुजराती ड्रेस डाला हुआ है तो कोई कुछ। वैसे था मेरे पास गुजराती सा लहंगा वैसा ही, लेकिन मैं डाल के नहीं आई, जो मेरी बेटी ने परेशान कर देती है मुझे, इसीलिए मैं डाल के नहीं आई। वो कोई डाल भी नहीं रही थी, तो ये भी बोली सूट डालेंगे, तो मैंने भी इनकी सोच के सूट ही डाल लिया। वरना मैं तो है ना आलस नहीं करती हूँ, मैं तो डाल ही लेती हूँ। मुझे तो ऐसे जगह जाने बहुत मज़ा आता है फ्रेंड्स, एक ही लाइफ मिली है, एंजॉय करो। क्या घर में बड़े बड़े सारे दिन झाड़ू पोछा ही करते हैं, टाइम मिले तो हर एक पल को एंजॉय करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है इनके स्कूल का हॉल, सबसे बड़ा रूम, यहाँ पे ही बच्चों का डांस वगैरह होता है। ये बहुत बड़ा रूम है, देखो मैं तो आपको जूम करके दिखा रही हूँ। अभी आधी सारी बाहर हैं, आधी दुनिया तो, और ये आधे अंदर हैं, ये डांस हो रहा है, स्पीड कर दिया मैंने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर डांस द्वारा फिर डांस हो रहा है, ये गुजराती डांस है। तो फ्रेंड्स, गुजरात की साइड तो आपको तो पता है बहुत ही ज़ोर शोर से होता है ये डांडिया नाइट, तो पूछो ही मत वहाँ पे। तो ज़्यादा डांस नहीं हुआ था, 4-5 डांस हुए थे, और बाहर सब लोगों ने एंजॉय किया था। बाहर बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी। ये यहाँ पे डांस होने के बाद ये प्रिंसिपल वगैरह टीचर्स वगैरह ने डांस किया, फिर जो स्कूल की टीचर्स थी ये सभी लोगों ने डांस किया यहाँ पे। ये देखो फिर हम अखबार आ गए यहाँ झूले पे झूलने के लिए, हमने यहाँ पे वीडियो बनाई, मस्ती की। तो छोटी वाली बेटी को बैठना नहीं आ रहा था, उसको गोदी में लेके बैठी मैं,
ये बड़ी मुझे परेशान करती है, मम्मा गोदी ले लो गोदी ले लो। वहाँ फर्श पे लेट गई थी ये, फिर हम अंदर आए यहाँ पे डांडिया, ये मेरी फ्रेंड है अन्नू, अन्नू को आ नहीं रहा था, अन्नू को बता रही थी लेकिन इसको आ नहीं रहा था। मैं कैसे करूँ कैसे करूँ, तो फिर मैंने मेरी ये बेटी थी उसको बुलाया, कशिश को, कशिश एक बार आ तो कशिश आई फिर मेरे पास, तो मैंने ऐसे बताया इसको ऐसे करना है, तो फिर भी थोड़ा थोड़ा किया उन्होंने, पर ये हमारी वीडियो बन गई, काम चल गया हमारा, पर मस्ती की हमने भी, हमारे बच्चों ने भी मस्ती नहीं करनी थी। इसकी भी मेरी जैसी गुड़िया है, इन्होंने हमारे बिल्कुल ही बाल नोट किए थे दोनों ने। ऐसी छोटे बच्चों के साथ कहीं जाना यार बहुत ही मुश्किल हो जाता है, हस्बैंड का रेस्ट नहीं था, और वैसे भी हस्बैंड बच्चों को रखते नहीं, फिर भी ये मेरी जिम्मेवारी होती है चाहे इनका रेस्ट हो चाहे ना हो। अभी ये मेरी बेटी, अब इसका नंबर आ गया है, वो पीछे खड़ी है, मैं बोली हट जा, कहीं लग गई ना तो दीवार पे चिपक जाएगी, लेकिन नहीं, पीछे से इसको धकेलना है इसको। और अभी धुलने के बाद अब इसकी बारी है, बड़े वाली अंदर जा रखी थी, वो झूठी नहीं तो उसकी वीडियो बना देती। तो बच्चों को तो ऐसी ऐसी तुझे कितना प्यार करे, तुझे कितना प्यार करे, आज कहे तू जितना हम तुझे उतना प्यार करे, तुझे फ्रेंड्स आपको तो पता है। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं पे रोकते हैं, और कैसी लगी हमारी वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो का यहीं एंड करते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय।